इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन के मेथड में क्या करते हैं, हम एक की वैल्यू दूसरी वैल्यू में रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन से ही थर्ड इक्वेशन बनाऊँगा, किसी एक की वैल्यू निकालूँगा। x को इधर ही रहने देते हैं, y इस तरफ आके प्लस y हो जाएगा, ये अपना इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। देखो अब थर्ड के वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है ना। थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं, याद रखिएगा, जिससे इक्वेशन बनाया उसमें वैल्यू नहीं रखते, थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रखो, दूसरी वाले में। और x की जगह पे 4 प्लस वाई लिखो, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखूँगा, 4 प्लस वाई, है ना। और यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ देखो यहाँ प्लस वाई, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ये हो गया 4 वाई प्लस वाई, 2 वाई इज इक्वल्स टू 14। ये 4 प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो 14 माइनस 4, 2 वाई इज इक्वल्स टू 10। मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आ जाएगा ये डिवाइड में, 2 5 10, तो वैल्यू कितनी आई, वाई की वैल्यू 5। अब एक्स की वैल्यू निकालनी, तो वाई की वैल्यू जो है ना इक्वेशन थर्ड में रखो, जो अभी मैंने निकाली थी। तो ये रहा हमारा इक्वेशन थर्ड, तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 5, ये आ गया 9, ठीक है। तो ऐसे एक्स की वैल्यू आ गई 9। इस तरीके से आप ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे s माइनस t इज इक्वल टू 3 और s अपॉन में 3 t अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, तो वही इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में आने के लिए हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 6, ठीक है। 3 टू 6, अब 6 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू s अपॉन में 3 प्लस 6 इंटू टी अपॉन में 2 और 6 इंटू 6, ठीक है। ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, कितना होगा 2s प्लस 2 3 जा, ये 3t इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं किस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाऊँ, फर्स्ट वाले से कि सेकंड वाले से, तो इसे मेरे को थर्ड इक्वेशन आने में ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एज इक्वल्स टू, ये टी इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब 3 की वैल्यू जो है सेकंड में रख दो, क्योंकि मैंने फर्स्ट से बनाई है थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में नहीं रखूँगा, थर्ड वाले सेकंड वाले में रखूँगा, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट वाले में रख देता हूँ, वहाँ पर मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा 2, एस की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस टी, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई में रखेंगे, 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। प्लस में इस तरफ आके माइनस में, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आएगा 5 6 30। तो टी इज इक्वल 6, मुझे एस की वैल्यू निकाल ली है, तो मैं थर्ड इक्वेशन के पास जाता हूँ, तो यहाँ पे 3 प्लस टी की जगह पे 6 रख देता हूँ, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पर। अब फर्स्टली तो ये होता है, क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसके हर एक ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन में अगर मैं हर किसी को 3 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या होगा, देखो 3 1 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9, तो इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम हो गई, तो सेम इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपने 3.2 में ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हो, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चन 3.3 के सॉल्व कर लिए, ठीक है ना, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है।